बिग बॉस सीजन 14 का आगाज बहुत जल्द ही होने वाला है और फैंस इसका बेसब्री से इंतजार भी कर रहे हैं क्योंकि 3 अक्टूबर अब काफी नजदीक आ गई है। लेकिन बिग बॉस से जुड़ी एक बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है जिनके सही और सटीक जानकारी मैं यानी कि वैशाली गोगे आपको आगे देंगी। तो चलिए बिना वक्त जाया कि आपको बताती हूँ कि आखिर खबर क्या है। तो खबर बेहद ही सिंपल सी है और लेकिन काफी महत्वपूर्ण भी है। खबर ये है कि बिग बॉस सीजन 14 का ग्रैंड प्रीमियर शूट हो चुका है। जी हाँ, शूट हो चुका है। सलमान खान ने सारा शूट कंप्लीट कर लिया है, बस एक दिन और वो शूट के लिए आ सकते हैं और फिर शूट एकदम कंप्लीट हो जाएगा और 3 तारीख को डायरेक्ट हमें दिखा देंगे कि ग्रैंड प्रीमियर हो गया और जो कंटेस्टेंट्स हैं वो सीधा ही बिग बॉस के घर में एंट्री कर लेंगे 1 अक्टूबर के बाद। जी हाँ, दरअसल आप तो जानते ही हैं कि माहौल कैसा है। COVID-19 की वजह से कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम्स आ रही है, वर्चुअल मीटिंग होती है और इस बार जो प्री लॉन्च इवेंट था वो भी वर्चुअली ही हुआ और अब ऐसे में उसके बाद आपको तो पता ही है कि जैस्मिन वसीम और निकी थंबोली के कुछ पिक्चर्स और वीडियो सामने आए थे, यानी कि उन्होंने अपना जो शूट है यानी कि अपना एंट्री का जो हिस्सा है उन्होंने शूट कर लिया है और सलमान खान उस दौरान उनके साथ मौजूद रहे। इस दौरान शूट में उन्होंने सारी प्रिकॉशंस का ख्याल रखा, मास्क लगा के रखा, सैनिटाइजेशन के बारे में जो भी चीज़ें हों सारी सिक्योरिटी संभाल के रखी, सारे प्रिकॉशंस उन्होंने अच्छे से कैरी किए हैं। तो इस तरह से कुछ कंटेस्टेंट्स ने अपना जो हिस्सा है सलमान खान के साथ बातचीत करना, अपने आप को इंट्रोड्यूस करना, अपनी डांस परफॉर्मेंस वगैरह वो हो चुकी है और अब हो सकता है कि सलमान खान एक दिन का और शूट करे एंड देन फाइनली जो कंटेस्टेंट्स है वो सीधा ही बिग बॉस के घर में एंट्री करेंगे अपना क्वारंटीन पीरियड फिनिश करके COVID-19 नेगेटिव पाए जाने के बाद डायरेक्ट बिग बॉस के घर में एंट्री। लेकिन इससे पहले ऐसा नहीं होता था। पहले अच्छे तरीके से ग्रैंड एंट्री होती थी सलमान खान की डांस वांस करते हुए और फिर सलमान खान एक एक करके सारे कंटेस्टेंट्स को रिवील करते थे, कुछ मेहमान आते थे, गेम वगैरह होते थे। लेकिन इस बार और वो TRP का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जरिया होता था और उसको TRP भी अच्छी खासी मिलती थी, लेकिन इस बार जो है वो चीज़ें पहले ही कर ली गई हैं। पहले कंटेस्टेंट्स का सलमान खान के साथ बातचीत होती थी और उसके बाद वो एंट्री करते थे। अब उन्होंने पहले सलमान से बातचीत कर ली है और क्वारंटाइन हो चुके हैं मुंबई के होटल्स में और उसके बाद सीधा ही बिग बॉस के घर में एंट्री। तो इस बार काफी अलग और हटके हुआ है। ये साल 2020 को मात देगा क्योंकि बिग बॉस इस बार सीन पलटेगा। जानकारी कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप तक ऐसे और भी कई महत्वपूर्ण खबरें बिग बॉस से जुड़ी हुई लगातार पहुंचाते रहेंगे। इसके लिए चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।